दोस्तों सुरेश जो उत्तर प्रदेश में रहता है, इसको 50,000 रुपए भेजने थे रमेश को जो महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अकाउंट नंबर गलत डल गया और पेमेंट अमन के खाते में चली गई जो जम्मू में रहता है। अब सवाल ये आता है कि सुरेश गलत बंदे से पेमेंट वापस कैसे ले सकता है। अब सबसे पहले तो सुरेश को अपने बैंक में एक कंप्लेंट देनी होगी कि पेमेंट गलत जगह चली गई है। अगर किस्मत से दोनों का बैंक सेम हुआ तो बैंक रिक्वेस्ट मिलते ही अमन के खाते पर लीन लगा देगा और पेमेंट वापस सुरेश के खाते में आ जाएगी। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग हुआ तो सुरेश का बैंक रिक्वेस्ट मिलते ही अमन के बैंक से बात करेगा, फिर अमन का बैंक अमन के खाते पर लीन लगाएगा और पेमेंट रिवर्स करके सुरेश के बैंक को देगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस से पहले ही अमन ने खाते में पड़े सारे पैसे अगर खर्च कर दिए तो सुरेश पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, और इसके अलावा अमन का बैंक उसका बैंक बैलेंस माइनस 50,000 भी कर देगा।